मेस मिठा चारा फिर मन सिखा पदिंग समाधियामी ये वीडियो मैं कद्दू और पद्दू के लिए समर्पित करता हूं। कद्दू और पद्दू, सबसे पहले समझे कि कद्दू क्या है और पद्दू क्या है। दरअसल कद्दू वो है जो ऐसी ऐसी खबरें बनाते हैं, ऐसी ऐसी खबरें करते हैं और कद्दू का सब्जी, कद्दू का साग बनाते हैं, जिनका देश के डेवलपमेंट से, देश के विकास से, लोगों के विकास से, लोगों के दुख दर्द से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। कोई काम की वो न्यूज नहीं होती, कोई काम की जानकारी नहीं होती, उसको कद्दू कहते हैं। बिल्कुल सड़ा हुआ बदबूदार कद्दू। और पद्दू क्या होता है? पद्दू वो होता है जो उस कद्दू को खा खा कर, पाद पाद कर चारों तरफ खबर को फैलाते हैं, बदबू को फैलाते हैं, वो पद्दू है। ये दो, कद्दू और पद्दू, हमेशा आप ध्यान रखें आपकी जानकारी के लिए, दुरुस्त करने के लिए, क्योंकि आपको कद्दू और पद्दू बहुत मिलेंगे। आजकल बड़ा मौसम उनका पिछले 6-7 साल से चल रहा है। कोई मुझसे पूछता है आजकल क्या चल रहा है, तो पहले कहते थे फॉग चल रहा है, अभी कद्दू पद्दू का मौसम चल रहा है, यानी कद्दू खा रहे हैं और पद्दू पाद रहे हैं, उनका मौसम चल रहा है। पूरे देश में बदबू ही बदबू चारों तरफ हुई पड़ी है। ये कद्दू और पद्दू का वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि पिछले 6-7 साल से मैं कोई भी कद्दू की जो बदबू है उसको नहीं देखता। मेरे टीवी और अखबार बंद पड़े हुए हैं, टीवी तो लगभग खराब हो चुके हैं क्योंकि चला के देखे नहीं, और अखबार जो पुराने थे वो हमने बेचवा दिए, नए अखबार हम लाते नहीं। मगर फिर भी कोई ना कोई सुपर इंटेलिजेंट, बड़ा ज्ञाता, कोई डॉक्टरेट, कोई इंटेलिजेंट, कोई सुपर इंटेलिजेंट, कोई कमाल का व्यक्ति जो अपने आप को ये कहता है कि मुझसे बड़ा कोई विचारक नहीं है, वो कद्दू खाकर सोशल मीडिया पे पाता ही रहता है, अपनी इंटेलिजेंस ही दिखाते रहता है। उसको इतनी तमीज और इतनी अकल और इतना सेंस नहीं है कि अरे ये जो खबर है, ये कद्दू है, तू इसको खा के क्यों पाद रहा है। उसको फैलाता रहता है, फैलाता रहता है, कद्दूओं का काम करता रहता है। कद्दूओं का काम क्या है? कद्दू सब्जी बना के वो खिला देते हैं और लोगों से कहते हैं बस इसे पाते रहो, पादने वाले पाते रहते हैं। अरे तू इंटेलिजेंट है, तू बुद्धिमान है, तू उनका कद्दू खा के क्यों पाद रहा है? तो ये उनके लिए है जो उनका कद्दू खा के और यहां अपनी सुपर इंटेलिजेंसी और सुपर अपना बुद्धि को दिखाते हैं और पाते रहते हैं। दरअसल एक महिला बहुत ज्यादा मैंने देखी जो बड़ी बातचीत कर रही थी और वो धड़ाधड़ 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 पाद रही थी। क्या कह रही थी? उसको पिछले 5 महीने से जहां वो काम करती है सैलरी नहीं मिली, उसका घर नहीं चल रहा है, मगर वो फिर भी बड़ी सजी धजी सी, और उसकी चर्चा का विषय क्या था? कद्दूओं ने जो कद्दू बनाया है उसको धड़ाधड़ पाद रही थी और अपना ऐसा बुद्धि दिखा रही थी कि जैसे सारी दुनिया की फिल्मों की इंडस्ट्रियों की, कलाकारों की, और जो लोग सुसाइड में मरे हैं या जिन पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, जो ड्रग वाले हैं, उसकी जानकारी उसे है, अपनी जानकारी नहीं है। मैंने धीरे से पूछ लिया, 5 महीने से सैलरी नहीं मिली, कोई कागज वागज लिख के दिया किसी को, घर कैसे चला रहे हो? बड़ी मायूस हो, कहने लगी कि हमने तो पैसा उधार लिया हुआ है और हम उधार ले घर चला रहे हैं। ये हालत है पद्दुओं की जो कद्दू खा खा के पाद रहे हैं मगर इंटेलिजेंसी ऐसे दिखा रहे हैं। दरअसल जो खबरें आ रही हैं उन खबरों से किसी का भला नहीं हो रहा है, ना ही सैनिकों का हो रहा है, ना ही सेनाओं को हो रहा है, ना ही आम आदमी का हो रहा है, ना ही किसानों का हो रहा है, ना ही बेरोजगार जो युवक हैं उनका हो रहा है, जो सरकारी कर्मचारी हैं ना उनका हो रहा है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनका तो बेड़ा ही गरक है, दुकानदार हैं वो बेचारे परेशान हैं, उनको कहीं व्यापार उनका चल नहीं रहा है, उधर जो बीमारी है वो बढ़ती चली जा रही है, GDP है जो घटती चली जा रही है, चाइना है जो लगभग 1000 किलोमीटर जमीन को हड़प चुका है। ये सारी बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं ये कद्दूओं को नहीं दिखाई देती, दरअसल कद्दूओं को सिर्फ कद्दू ही दिखाई देता है, मगर कद्दूओं से शिकायत नहीं है क्योंकि कद्दूओं को तो काम है कद्दू बनाना, उनको तो है ही कद्दू, वो कहीं से कोई ऐसा कुछ करके तो आए नहीं कि जो उनको सर्टिफिकेट मिले। दरअसल वो, अगर मैं ये कहूँ कि वो भारत में सबसे निम्न क्लास के पीछे रहने वाले, सबसे कम नंबर में आने वाले, सबसे इनका भी लोग, या अगर जैसे वो कहते हैं कि आरक्षित लोग हैं, तो मैं कहूंगा कि वो आरक्षण के भी आरक्षित लोग, उनकी भाषा में। वैसे तो आरक्षण के लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी भाषा में, तो वो कुछ जानते नहीं, उन्होंने कुछ सीखा नहीं, क्लास में कभी गए नहीं, बस ऐसी सर्टिफिकेट ले आए, कम नंबरों से पास हो गए होंगे और कद्दू बना रहे हैं, ये गारंटेड है, आप उनको चेक कर लेना, क्योंकि उनके पास में जो ना एथिक्स सिखाए हैं, जो टेक्निक सिखाई है, वो तो कहीं इस्तेमाल होती नहीं।
तो ये कद्दू सारे दिन यही कचरा बनाते रहते हैं और परोसते रहते हैं। मेरी जो शिकायत है वो है इंटेलिजेंट कद्दूओं से, आप उनका कद्दू क्यों खा रहे हो और उनका कद्दू खा के हमें क्यों सुंघा रहे हो? बेसिकली आप अपने कद्दू को अपने घर में सुंघाओ, अपने बाथरूम में रखो, उसको फैला क्यों रहे हो? क्यों अपना खामे खा का टाइम खराब कर रहे हो? रो का भी वैसे तो हम देखते नहीं, मगर क्या है कि सोशल मीडिया पर जब हम ऊपर नीचे करते हैं तो कद्दूओं की खबरें आती हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है। अरे काय का इंटेलिजेंट है, कैसा गधा है, इतना नहीं समझ पाया है कि ये कद्दू की खबर है, ये क्यों पाद रहा है, ये क्यों बदू कर रहा है? ऐसे कद्दूओं से, ऐसे कद्दूओं को पहचानना शुरू करो, उनको स्पेशल नाम देना शुरू करो। ये कद्दू है, ये पद्दू है, और स्पेसिफिक दो, ये पदड़ी है, ये कद्दू है, ये बड़ा कद्दू है, ये बड़ा पद्दू है, ये छोटा है, ये इंटेलिजेंट है, ये डॉक्टर पद्दू है, ये प्रोफेसर पद्दू है। जब भी वो इस तरह की बदबू फैलाएं, आप उनको नाम दो, शायद कुछ पद्दुओं पे असर पड़े। अपना न्यूज़ तो होता नहीं। अरे देश में इतनी समस्या है, एक नई शिक्षा नीति आई है, कौन उसे बहस करेगा? GDP आया है, उस पर कौन बहस करेगा? जो चाइना है वो अंदर घुसाया, उसको कौन देखेगा? जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे, उसे कौन देखेगा? किसानों की जो फसल है बर्बाद हो रही है, उसको पैसा नहीं मिलता, उसे कौन देखेगा? सरकारी नौकरियां जा रही हैं, उसे कौन देखेगा? लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उसकी खबर कौन निकालेगा? वहां तो दिमाग चलता नहीं, उस लायक है भी नहीं। और बेकार की जिन न्यूज से सिर्फ टाइम खराब होता हो, लोगों ने पबजी खेलना छोड़ा, पबजी बंद हुआ तो इसमें लगे, पबजी में इसमें फर्क ही क्या है? वो भी बेकार का गेम है, ये भी बेकार का है। समझो बात को कि इसे कौन चला रहा है, कौन नहीं चला रहा है। तो जब भी किसी पद्दू का पोस्ट आए तो एक मिनट खर्च कीजिए, उसको कीजिए श्रीमान पद्दू, इस देश में बहुत समस्याएं हैं, इस देश में भुखमरी है, इस देश में बेरोजगारी है, इस देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इस देश में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, इस देश में अत्याचार बढ़ गया है, यहाँ जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, पैसा गिर गया है, रुपया गिर गया है, तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, पेंशन नहीं मिल रही हैं, सरकारी डिपार्टमेंट बंद हो रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, यहाँ बीमारी बहुत है, यहाँ सारे लोग अनपढ़ हैं, उनके पढ़ाने का कुछ है नहीं, यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है, जो काम हो रहा था वो खत्म हो चुका है, आप कृपया करके इस पे थोड़ा सा पा दिए, इस पे अपना दिखाइए इंटेलिजेंस, और ये किसी का बना हुआ कद्दू खाना बंद कीजिए। अगर आप नहीं बना सकते हैं तो कम से कम चुप रहिए। अगर आप में इतना इंटेलिजेंट नहीं है, आप इतने ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है कि आप राष्ट्रीय सब्जेक्ट उठा सकें, देश के हित की बात कर सकें, देश को आगे बढ़ाने की बात कर सकें, क्योंकि अगर कद्दू खाते रहेंगे और पाते रहेंगे तो ये गारंटी है कि आप पाकिस्तान से नीचे चले जाएंगे, जमीन में गड़ जाएंगे। US का और चाइना का सोच नहीं सकते। जापान, US और चाइना जैसे देशों के अंदर मीडिया या जो कद्दू है वो इस तरह के नहीं होते, वहाँ डेवलपमेंट की बातें होती हैं। आज वहाँ रेलवे स्टेशन बना, आज वहाँ रॉकेट स्टेशन बना, आज एक नया यात्री विमान बनाया, आज एक वहाँ पे नया हमने स्ट्रक्चर बनाया, आज वहाँ पे एक नया सिटी बनाया, आज हमने वहाँ ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाया, आज ये टेक्नोलॉजी बनाई, आज ये रोबोट बनाया, आज हमने अपने यहाँ गरीबी खत्म कर दी, आज हमने अपने यहाँ बीमारियां खत्म कर दी, आज हमारे यहाँ सारे लोग पढ़ लिख के ग्रेजुएट हो गए, आज हमने इतनी यूनिवर्सिटियां खोल दी, आज हमारे यहाँ इतने ज़्यादा उद्योग धंधे लग गए, अब हम इस देश को इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इस देश को इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी में ये कार हमने नहीं बनाई है, ये टेक्नोलॉजी हमारी वहाँ नंबर वन पे आई है, वहाँ आई, हमारे यहाँ इतने ज़्यादा यूनिवर्सिटी, इतने ज़्यादा कॉलेज हैं, हमारे सारे बच्चे स्वस्थ हैं, हमारे यहाँ सबके अंदर देशभक्ति है। आप उनका उठा के देखिए, वहाँ कद्दू नाम की चीज़ नहीं मिलेगी, वहाँ ज़बरदस्त चीज़ें मिलती हैं। उनका न्यूज़पेपर, उनका टीवी, उनका अखबार, उनका सोशल मीडिया देख के लगता है कि यहाँ राष्ट्रवाद और राष्ट्र की भक्ति की बात हो रही है। ये लोग हैं जो जानते हैं कि व्हाट इज मीडिया और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। थैंक यू। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं, आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में
आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहे वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Sangam Sirunam.